और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आफिया खान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कुक विद आफिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ीरा कुकीज़ या ज़ीरा बिस्किट्स। मैदा लेंगे 300 ग्राम्स या 2 कप्स, पाउडर्ड चीनी लेंगे 120 ग्राम्स, घी लेंगे 200 ग्राम्स, आप ऑयल ना लीजिएगा, ज़ीरा लेंगे 2 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। तो चलें अब ज़ीरा कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले घी लेंगे, इसमें पिसी हुई चीनी मिक्स करेंगे, और विस्क की मदद से इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। इनको उस वक्त तक मिक्स करते जाना है कि बिल्कुल स्मूथ सा एक मिक्सचर सा बन जाए। देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो रहा है। तकरीबन 10 मिनट्स तक इसको लगातार मिक्स करते जाना है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, बेकिंग पाउडर एंड नमक भी ऐड कर देंगे। स्पून की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैदा ऐड कर देंगे। अब स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स यकजा हो जाएं। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है और एक स्मूथ सा डो बनाना है, और हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। हमने अच्छे से गूंदा इसको और एक सॉफ्ट सी डो तैयार है। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को बेलन की मदद से बेलेंगे। बेलन पर भी मैदा डस्ट करेंगे। अब हल्के हाथों से इस डो को बेलेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है क्योंकि ये डो बहुत सॉफ्ट है। अब एक धागे की मदद से फ्लोर से इस डो को अलग-अलग करेंगे। और सबके घरों में खाली बॉटल्स या डब्बे अवेलेबल होते हैं। एक सर्कुलर शेप का मैंने ढक्कन लिया, इसको डो में लगाएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और कुकीज़ या बिस्किट्स को डो में से काट के निकालेंगे और इस तरह एक एक करके हम सारी कुकीज़ काट के निकाल देंगे। अब एक एक करके हम कुकीज़ अलहदा करेंगे और इसको ट्रे में रखते जाएंगे, और ये जो साइडों पे डो बचेगा इसको हम दोबारा बेलेंगे और उसकी कुकीज़ काटेंगे। तो ये देखें बहुत सारे बिस्किट्स बन गए हैं। अब इस ट्रे को हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, ताकि थोड़े हार्ड हो जाएं। फिर इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स तक इसको बेक करेंगे। तो ये देखें बिस्किट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये घर की तैयार करदा बिस्किट्स हैं या बेकरी की। बहुत ही खस्ता, यूनिक और क्रंची कुकीज़ तैयार है।
लॉकडाउन में झुमके बाजारें और दुकानें बंद हैं तो आप आराम से घर में बैठकर ये कुकीज़ तैयार कर सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो कुकीज़ बनाना जान चुके हैं। और मेहमानों को गर्मा गर्म चाय के साथ ये कुकीज़ आप सर्व करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।